नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एम्ब्रॉयडरी वाले गले में कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। तो ये हमने यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर ली है, अब हम इसके नेक की कटिंग करते हैं। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी दी गई है उसको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करते हुए। और जो यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ वो हाफ इंच पे कर रही हूँ, जो हमारा कढ़ाई है नेक का उसको छोड़ते हुए। डीप है इसकी 6 इंच, काफ़ी है। तो अब ये जो अंदर का कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको कट करके हटा देंगे। इसके बाद हम लेंगे पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाले हिस्से में भी जितना शोल्डर है उतने पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 1 इंच का डीप लेंगे और इसमें राउंड देते हुए यहाँ से कट करेंगे। ये पीछे वाली नेक की कटिंग भी हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि ये जो हम यहाँ पे बुकरम से गला बनाते हैं फ्रंट वाला, उसकी बजाय हम यहाँ पे कपड़े से बनाएंगे। ये तिरछी पट्टी मैंने ली है, ये ली है 2 इंच विड्थ की, और इसको राइट साइड से अटैच करेंगे डबल में। अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इससे फिनिशिंग के साथ अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे मोटा सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमको बाद में तुरपाई करना है। अब दोनों पार्ट्स को, आगे और पीछे वाले को, शोल्डर से अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पट्टी लग करके रेडी है। अब जो शोल्डर वाली स्टिच है वहाँ से हम डाउन में जाएंगे, फ्रंट में 3 इंच दोनों साइड में। अब यहाँ से लेके दूसरे छोर तक हम इसका पूरा नाप लेते हैं। ये राउंड आया 13 इंच का, हाफ इसमें इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 13.5 इंच का हम बुकरम लेंगे, डबल करेंगे इसको और एक कॉर्नर से यहाँ पे ऐसे राउंड दे देंगे। राउंड में कट करने के बाद एक डबल कपड़ा लेंगे, राइट साइड अंदर रखेंगे और उसके ऊपर बुकरम को रखेंगे। इसके बाद हम किनारे से बुकरम के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। ये दूसरे छोर तक सिलाई हो गया है। अब इसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। अब हम एक साइड के कपड़े को बुकरम के ऊपर मोड़ करके सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, और दूसरे को ध्यान रहे अलग रखेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसको कुर्ती के साथ में अटैच करते हैं। तो इसमें हम जो हमने 3 इंच पे मार्किंग किया था उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आगे से अच्छे से मोड़ लेंगे इसको और दूसरे छोर तक इसको अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। ये एक साइड से अटैच हो गया है। अब हम इसको राइट साइड से अटैच करते हैं। जो सिलाई वाला हिस्सा था उसको अंदर दबाएंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो ये एक साइड से अभी अटैच हो गया है। तो इसको पूरा राउंड में घुमाते हुए अब हम यहाँ से ऊपर के साइड से भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।